अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान संदब। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोग को मिल सके। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं जो कि ग्रुप में शेयर की जाती है। तो आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर के बारे में। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह उसमें एडमिशन ले सकते हैं, हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए ताकि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें तीन चार किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों को बताता है। सबसे पहले तो आप लोगों के जो कि मार्क्स होने चाहिए वो इतने होने चाहिए कि आप लोग यूनिवर्सिटी के मेरिट को मीट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपको दिखा देता हूँ, एलिजिबिलिटी फॉर अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम में FSC प्री मेडिकल होना चाहिए और रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन रेकोगनाइज्ड बाय द बोर्ड कमेटी और चेयरमैन इस्लामाबाद विद एटलीस्ट 50% ऑन एडजस्टेड मार्क। मतलब 50% कम से कम जो मार्क्स होने चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए अलाइड हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप लोग चेक कर लेते हैं हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जाके हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। बस वो कह रहे हैं कि टोटल होता है 100%, उसमें से हम किस किस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे कि हमारा 100% पूरा। जब सबसे पहले अपने 60% जो आप लोगों के वो देखेंगे, वो क्वालिफिकेशंस को देखेंगे विद प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिसमें आप लोगों का इंटर का रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, मैट्रिक ही आ जाएगी और बाकी आप लोगों के पास जो कि एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो देखेंगे। उसके बाद 10% जो आपका एंटी टेस्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एंटी टेस्ट उन्होंने रिक्वायर्ड किया होगा वो आप लोग देंगे, उसका 10% उसका ऐड होगा। और 30% जो आप लोगों का एंड पे इंटरव्यू होता है। सबसे आप पहले आप लोगों का क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, 60% मार्क्स में से कितने आपके बनते वो देंगे। उसके बाद इंटी टेस्ट में से देखेंगे कि आपके कितने परसेंट बन रहे हैं 10% में से, और उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, उसमें आप लोगों को देखेंगे कि 30% में से हमने कितने मार्क्स इनको देने हैं ताकि ये एडमिशन ले सके। उसके बाद आप लोगों का मेरिट बनता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आपका अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आप लोग फ़ीस जमा करवा के अपना दाखिला ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।